डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएससी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। अब हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पर चर्चा करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ने बहुत ज़्यादा डेफिनेशन लिखा रहे हैं। देखिए, डेफिनेशन लिखाने का मतलब हो गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना। जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो हम लोग आगे चलकर जो भी प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम में हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग उसका सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेफिनेशन की आवश्यकता है। इसलिए मैंने डेफिनेशन को लिख रहा हूँ और आप लोग को एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। आगे हम लोग जब प्रॉब्लम पर जाएंगे, एक्सरसाइज पर जाएंगे, तो हम लोग को सुविधा होगी। तो चलिए हम लोग अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पर बात करते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूर्व में भी जो हम लोग किए, कॉम्पेरिजन किए, तो कॉम्पेरिजन से ही हम लोग को इक्विवेलेंट नंबर आ जाता है। जैसे देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब हो गया तुल्य परिमेय संख्या, यानी 2/4 अगर कोई परिमेय संख्या है, 2/4, तो उसका इक्विवेलेंट यानी तुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ए रेशनल नंबर कैन बी रिटन विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमेटर्स, यानी रेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर, यानी विभिन्न तरह के अंश और हर के रूप में। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर। जब किसी रेशनल नंबर को यानी किसी परिमेय संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, नॉन जीरो इंटीजर यानी जीरो छोड़कर कोई इंटीजर से अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो रिजल्ट हम लोग को प्राप्त होगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो इक्विवेलेंट होगा रेशनल नंबर। वही चीज़ लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन विथ डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर्स। सच रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। इसे ही हम लोग कहेंगे तुल्य परिमेय संख्या। तो इसी को नंबर वन में क्या लिखा है कि इफ पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं कि पी अपन क्यू के रूप में रेशनल नंबर होगा, एंड एम इज ए नॉन जीरो इंटीजर, एम का वैल्यू जो है कभी जीरो नहीं होगा, वो नॉन जीरो इंटीजर है, देन तब क्या होगा कि पी यानी न्यूमरेटर को एम से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमेटर क्यू को एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो रेशनल नंबर हमें प्राप्त होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसका, पी अपन क्यू का, इस रेशनल नंबर का ये इक्विवेलेंट होगा। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ ले लिए हैं कि -3/7, ये एग्जांपल हो गया -3/7, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो एक नॉन जीरो इंटीजर्स ले लिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमेटर को और न्यूमरेटर को, जब न्यूमरेटर और डिनोमेटर मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट क्या आया, -6/14, तो ये इक्विवेलेंट किसका है, -3/7 का। उसी प्रकार इफ़ पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए कॉमन डिविजर, एम क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, वो जीरो नहीं होगा, वो कॉमन डिविजर है, यानी न्यूमरेटर का भी डिविजर है और डिनोमिनेटर का भी डिविजर है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि पी एंड क्यू का डिविजर, तो तब क्या होगा कि पी अपन क्यू इक्वल टू पी डिविजर एम, क्यू डिविजिबल बाई एम। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले चुके हैं, -16/64 को अगर 16 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमेटर को, हम लोग को क्या प्राप्त होता है, -1/4, तो ये -1/4 क्या हो जाएगा, 16/64 का ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लीजिए, आप लोग ले सकते हैं जैसे 2/5, इसका इस परिमेय संख्या का 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लेना है, तो हम लोग आराम से ले सकते हैं कि आप एक 2/4 कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 3 से कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6/15 हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंट नंबर आ गया। दूसरा अगर हम लोग लेना चाहते हैं तो 2/5 है, यहाँ -4 और यहाँ भी -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -8/4
माइनस 20, ये भी एक इक्विवेलेंट नंबर हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट नंबर को ले सकते हैं। तो हमको आशा है कि आप लोग इक्विवेलेंट नंबर्स के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त हो गई होगी और समझ गए होंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में भी उतार लीजिएगा, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर कॉपी को पलट कर देख सके आप लोग। अब रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, बार बार इसके पूर्व में भी हम लोग नंबर लाइन पर थोड़ा बहुत चर्चा किए हैं, फिर से एक बार हम उसको और एक बार चर्चा कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करें। जैसे मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है 4/5, ये एक रैशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सीधी सी बात है, आप लोग एक नंबर लाइन ले लीजिए। नंबर लाइन में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट से 1 आगे बढ़ते जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस नंबर लाइन पर जब हम लोग को होल नंबर को दिखाने के लिए कहा जाता है तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब रैशनल नंबर या कोई फ्रैक्शन नंबर को दिखाने के लिए कहा जाता है तब हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे उसको दिखाएं। ये बहुत आसान है, आप लोग को करना क्या है, पहले देखना है कि एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो यहाँ 4/5 आप लोग जानते होंगे कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर में है तो फॉलो हमको कहाँ करना है, इस रैशनल नंबर में हमको पहले देखना है डिनोमीटर में कौन सा नंबर है। डिनोमीटर में नंबर है 5, तो 4/5 इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रैशनल नंबर है ये 1 से छोटा ही होगा। हम लोग नंबर लाइन पर यूनिट लेंथ लेते हैं, सबका लेंथ क्या होता है, बराबर होता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, लेंथ सबका बराबर होता है। इधर भी वैसे ही होता है, सेम लेंथ होता है। तो जब हम लोग 4/5 को डिनोट करेंगे, आप लोग को हम एक आसान सा ट्रिक दे देते हैं। आप लोग को करना क्या है, सबके नीचे डिनोमीटर लिखते जाइए, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। ये आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप लोग खाली इसको देख लीजिए, इधर भी सबका 5 करते जाइए। अब क्या हो गया, ये परिमेय संख्या जो है रैशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन में हम डिनोट कर दिए। अब देखिए, अब क्या है, 4/5 कहाँ पर है, 4/5 यहाँ हो गया, ये हो गया। हम कहे क्या कहे कि 4/5 जो है 1 से छोटा है, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ 1 से तो बड़ा दिख रहा है क्योंकि 1 के बाद चले गए। नहीं, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, 5/5 यानी 5 और 5 को अगर कैंसिल आउट करते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ अगर 10/5 है, यानी इसको भी अगर 5 से 2, 10 को कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आसान सा बात है कि जब ये डिनोमिनेटर में 5 है, यानी एक यूनिट को 5 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, तो 5 भाग में से कितना है हमको लेना है, 4 भाग, तो 1, 2, 3, 4, 4/5 में हम लोग चल गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई एक रैशनल नंबर है, जैसे 12/5 है, 12/5 है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, इसको ठीक उसी प्रकार ही हम लोग करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इधर भी वैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 12/5 है,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पूर्व के जैसा फाइव कर देंगे, फाइव 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 फाइव, ठीक है। अब देखिए इस इधर भी फाइव, इधर भी फाइव, यहाँ भी फाइव, यहाँ भी फाइव, यहाँ भी फाइव, यानी ये हो जाएगा वन, ये भी फाइव, ये भी फाइव, ये भी फाइव। अब यहाँ भी हो जाएगा वन, फाइव अपन फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन अपन फाइव, ये भी हो जाएगा टू। अब देखिए ट्वेल्व अपन फाइव यानी कितना है, यहाँ हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जब इसको हम लोग मिक्स नंबर के रूप में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू अपन टू बाई फाइव, ये मिक्स नंबर के रूप में लिखेंगे। तो जब मिक्स नंबर के रूप में लिखेंगे तो क्या है, यहाँ दो है, दो हमारा क्या है, कंप्लीट नंबर है। तो दो कंप्लीट यानी एक यहाँ तक कंप्लीट हो गया, दो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, हो गया। अब कितना है, पांच भाग में से दो भाग लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक पांच भाग है, एक दो तीन चार पाँच, तो कितना लेना है, पांच में से दो लेना है, यानी पांच भाग में से दो भाग लेंगे, दो के बाद एक और दो, या आगे तो ऐसे भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। और माइनस में होगा तो हम लोग इधर दिखाएंगे, ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन पर रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी संख्या को अगर नेशनल संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहे, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। और इसको याद रखिएगा कि ऐसे ही हम लोग दिखा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ ये सब लिखा नहीं जाता है, सीधे तौर पर दिखा देते हैं, तो वो भी आप लोग का होगा। जैसे चार बटा पाँच है, इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, जीरो हो गया, यहाँ आपका वन हो गया, ठीक है। पांच भाग करना है, एक दो तीन चार, ये पांच हो गया। अब पांच में से एक दो तीन चार, यानी चार अपन फाइव, इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इस ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, तीनों में से कोई एक विधि से आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। हमको लगता है कि आप लोग को रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आसान हो गया होगा, आप लोग सीख गए होंगे। मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आप लोग ध्यान से मन लगाकर पढ़ते रहिए। जहाँ भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा, मैं सुप्रिया दत्ता साइंस मैथ साइंस टीचर आप लोग को हेल्प करने के लिए हर समय तैयार हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए।